दोस्तों, काली मिर्च और शहद यानी कि ब्लैक पेपर और हनी के इतने बेहतरीन और ज़बरदस्त फ़ायदे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी चरक संहिता अष्टांग हृदयम के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमें लाइक करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने मोबाइल में मिल जाए। दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, हाथों पैरों में, हड्डियों में कहीं भी दर्द होता है, वह भी वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें। इसके अलावा अगर आपके शरीर में शारीरिक कमजोरी और थकान रहती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, आलस्य बहुत ज्यादा रहता है, एनर्जी की कमी रहती है, चुस्ती फुर्ती ताकत की कमी रहती है, तो वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें। इसके अलावा और भी कई इसके अन्य बेनिफिट होते हैं, जैसे कि यह आपके थायराइड को क्योर करने में बहुत ही सहायक होता है, साथ ही बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। इसके अलावा आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए भी बहुत सहायक होता है, और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, जिनके बाल ज्यादा झड़ते हैं उनके लिए भी बहुत सहायक होता है। तो इन सभी फायदों में आपको काली मिर्च और शहद का अलग अलग तरीके से प्रयोग करना है। आपकी बॉडी की जो प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ, उसके अनुसार किसके साथ में लेना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ कब लेना है, दूध के साथ कब लेना है, यह आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से वीडियो को देखें और जानिए अलग अलग बीमारी में शहद और काली मिर्च का किस तरह से प्रयोग करें। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आप लड़के हैं या फिर लड़की, अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं रहती है, चमक नहीं रहती है, आप चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम, आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाते हैं, इसके अलावा झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, और भी स्किन की अन्य कोई प्रॉब्लम जैसे कि पिंपल्स हो जाते हैं, इन सभी बीमारियों के लिए दोस्तों शहद में अगर आप आधी चुटकी से कम काली मिर्च को मिलाकर अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए लगाते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। अगर आप ज्यादा देर तक लगाना चाहते हो तो आप शहद में काली मिर्च न मिलाएं, उसकी जगह पर आप बेसन मिला सकते हैं, अगर आप आधे घंटे के लिए फेस पैक बनाना चाहते हैं। इसको चेहरे पर लगाने से दोस्तों काली मिर्च और शहद को चेहरे पर जबरदस्त सुंदरता, जबरदस्त निखार आता है, पिंपल्स दूर होते हैं, दाग धब्बे दूर होते हैं, झाइयां दूर होती है, ओपन पोर्स दूर होते हैं, और भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है वह भी दूर होती है, और साथ में यह चेहरे पर गोरेपन को बढ़ाने में भी मदद करता है। आइए दोस्तों जानते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में, अगर आप शहद और काली मिर्च का सेवन करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में, अगर आप शहद और काली मिर्च का सेवन करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है, थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण आपको सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। तो दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप 5 से 6 काली मिर्च को रात को सोते समय शहद के बीच में डुबोकर रखते हैं और सुबह उठकर इसका 1 चम्मच की मात्रा में सेवन करते हैं, तो दोस्तों यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। खासकर सर्दियों के मौसम में इसके बीच में अगर आप आंवला भी डुबोकर रखते हैं, जो छोटा छोटा हरे रंग का आंवला आता है, बड़े साइज का आपको नहीं लेना, उसको आप काट कर डाल दें। इसका अगर आप काली मिर्च और शहद के साथ प्रयोग करते हैं तो दोस्तों यह आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा, और साथ में यह आपकी वात, पित्त, कफ को नियंत्रण करने में मदद करता है, और साथ में दोस्तों आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, जो कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो जाता है, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसके अगले फायदे के बारे में। अगर आपको बालों के झड़ने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है,
अगर आपके बाल हद से ज़्यादा झड़ते हैं तो दोस्तों आपको काली मिर्च, शहद और आंवला तीनों को मिलाकर रात को डुबोकर रख देना चाहिए और सुबह उठकर रोज़ाना एक चम्मच की मात्रा में आपको इसका सेवन करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है तो आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा इसका कोई भी परहेज नहीं होता, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अगले फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो आपको काली मिर्च और शहद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो शहद का काली मिर्च के साथ प्रयोग न करें। दोस्तों काली मिर्च और शहद का एक साथ प्रयोग करने से आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। साथ में कुछ योग, प्राणायाम, व्यायाम होते हैं जो थायराइड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप रोज़ाना प्राणायाम करते हैं और काली मिर्च और शहद का रोज़ाना प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपका पुराने से पुराना थायराइड भी ठीक हो जाएगा। कोई भी दवाई लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों जानते हैं अगले फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आपकी हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर रहती है, हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है, उम्र बढ़ने के कारण आजकल के नौजवानों में लाइफस्टाइल खराब होने के कारण, खाना पीना खराब होने के कारण बहुत ही आम समस्या हो गई है घुटनों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने की। पहले के ज़माने में तो दोस्तों यह सिर्फ बुढ़ापे में ही होता था, लेकिन आजकल यह जवानी में भी हो रहा है। दोस्तों आपको हड्डियों में, हाथों पैरों में, घुटनों में दर्द की समस्या, हड्डियों से ग्रीस खत्म होने की समस्या, हड्डियों से कटकट की आवाज़ आने की समस्या, कमर में दर्द होने की समस्या, कंधों में, इसके अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होने की समस्या रहती है तो शहद और काली मिर्च का आपको गुनगुने पानी के साथ सुबह उठकर अवश्य प्रयोग करना चाहिए और पानी के बीच में 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा अवश्य डालें। अश्वगंधा बहुत जरूरी होता है जिनको हड्डियों में किसी भी प्रकार की या जोड़ों में किसी भी प्रकार की कमजोरी रहती है। दोस्तों इससे आपकी सभी प्रकार की कमजोरी तो दूर होगी, साथ में आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको या आपके घर में किसी को भी आईसाइट वीक होने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है, आंखों की रोशनी कमज़ोर है, बड़ा चश्मा लगा है, तो दोस्तों इस प्रकार की सभी समस्याओं में शहद और काली मिर्च अगर आप सुबह उठकर छिलका उतारकर बादाम के साथ प्रयोग करते हैं, बादाम को रात को पानी में भिगोकर रखना है और सुबह उठकर छिलका उतारकर काली मिर्च और शहद के साथ में प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली यह आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। और साथ में जो सौंफ होती है, जो डार्क ग्रीन कलर की सौंफ होती है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा आंखों की रोशनी को ठीक करने के लिए आपको सुबह उठकर नंगे पैर हरी घास पर अवश्य चलना चाहिए। जिस टाइम सूर्य उदय होता है उसके 20 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक हरी घास पर चलते हैं तो यह आंखों की रोशनी के लिए इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, मसल्स को एकदम फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग योग करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा होता है शहद और काली मिर्च का सेवन करना। बीच में आप चाहें तो आधी से भी कम चुटकी हल्दी डाल सकते हैं और बीच में आप एक पत्ता नीम का भी डाल सकते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो यह आपके हड्डियों और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को इनक्रीज करने में मदद करता है। साथ में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी को, कैल्शियम की कमी को, प्लेटलेट्स की कमी को दूर करता है और साथ में एनीमिया की सभी समस्याओं को यह ठीक कर देता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है शहद और काली मिर्च के फ़ायदे जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।